हेलो गाइस, मैं हूं देव और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल नॉलेज टीवी में। आज हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। हेपेटाइटिस बी एक वायरस संक्रामक रोग होता है, यानी कि यह रोग वायरस के कारण फैलता है। और वायरस के कारण होने से सामान्य भाषा में हेपेटाइटिस बी को जोंडिक्स या पीलिया कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी से संक्रमित मरीजों को हेपेटाइटिस बी का लंबे समय तक पता नहीं चल पाता है। यह रोग शुरुआत में लंबे समय तक कोई लक्षण प्रकट नहीं करता है क्योंकि इसका वायरस धीरे धीरे वृद्धि करता है। यह रोग हमारे लीवर में होता है और इससे लीवर खराब हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। विश्व में 60% लीवर कैंसर के केस हेपेटाइटिस बी के कारण होते हैं। भारत में हर वर्ष हेपेटाइटिस से लाखों लोग संक्रमित हो जाते हैं और लाखों लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ज़्यादातर लोगों में यह संक्रमण कुछ समय के लिए होता है और फिर ठीक हो जाता है। इसे एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं। कुछ लोगों में यह संक्रमण लंबे समय तक होता है, इसे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कहते हैं। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी के कारण, यानी कि किन कारणों से हेपेटाइटिस बी हो सकता है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के रक्त से हो सकता है। यह रोग कई लोगों के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से हो सकता है, या फिर संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बनाने से भी हो सकता है। संक्रमित माँ से उत्पन्न शिशु में हेपेटाइटिस बी पाया जाता है। अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी होने पर कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। लीवर में सूजन व जलन, लीवर कैंसर की शिकायत होना, उल्टी होना, सर में दर्द होना, त्वचा में खुजली आदि हेपेटाइटिस बी के लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी होने से कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं। पहला है रक्त परीक्षण, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के द्वारा हेपेटाइटिस बी का पता लगाया जा सकता है। सेकेंड है लीवर बायोप्सी। यदि डॉक्टरों को लगता है कि आपको हेपेटाइटिस बी से लीवर की क्षति हो सकती है तो वह आपके लीवर के परीक्षण के लिए सुई की सहायता से लीवर के छोटे से टुकड़े को निकाल करके उसकी जांच करता है, जिसे लीवर बायोप्सी कहा जाता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन टेस्ट व हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी टेस्ट आदि टेस्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी के इलाज के बारे में। हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी दो प्रकार का होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। एक्यूट हेपेटाइटिस बी का उपचार बिना एंटीवायरल दवाइयों के उपयोग से ही किया जाता है। एक्यूट हेपेटाइटिस बी का उपचार घर पर ही किया जा सकता है, जैसे कि अच्छी तरह से खाना, बहुत सारे तरल पदार्थों का उपभोग करना और शराब और नशीली दवाइयों से बचना। कुछ केसेस में आपको एक्यूट संक्रमण का इलाज करने के लिए दवाइयाँ दी जा सकती हैं, लेकिन आमतौर पर दवाइयों का उपयोग तब तक नहीं किया जाता जब तक कि व्यक्ति बहुत अधिक बीमार न हो। सेकेंड है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का इलाज। इस हेपेटाइटिस बी का उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि आपके शरीर में वह वायरस कितना एक्टिव है और लीवर के क्षति की संभावना कितनी है। इस स्थिति में उपचार का लक्ष्य वायरस के गुणन को रोकना व लीवर क्षति को रोकना होता है। यदि वायरस एक्टिव स्टेज में है तो लीवर क्षति हो सकती है। इस स्थिति में एंटीवायरल दवाइयों का उपयोग करते हैं, जिससे वायरस का गुणन या वृद्धि क्षमता घट जाती है। अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी से कैसे बचा जा सकता है। इस्तेमाल की हुई सुइयों का उपयोग न करें, टूथब्रश या रेजर का साझा न करें, शरीर पर टैटू न बनवाएं और यदि बनवाएं तो ध्यान रखें कि गुदाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुई साफ व विसंक्रमित हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।